अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बख़ैर और खुश आमदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, जितने भी पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बसते हैं और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है, आप सब लोगों को मेरा बहुत अदब से आदाब। और इस दुआ के साथ आज का ये प्रोग्राम शुरू करेंगे कि अल्लाह की ज़ात हमारे पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, पाकिस्तानियों को जहाँ पर भी वो रहते हैं, जहाँ भी बसते हैं, उनको भी खुश रखे और इत्मीनान के साथ रखे। आपको पता है ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सी खुशियां हैं, बहुत सारे गम हैं, हर रोज़ जो है अपने साथ एक नई ख़बर लेकर आता है। और दो दिन पहले जब हम लोगों को ये मालूम हुआ कि बेगम नुसरत भुट्टो अब हमारे साथ नहीं रहीं, तो बहुत सी आंखें नम, बहुत से दिल जो हैं वो गमज़दा हो गए, और ज़ाहिर है बहुत बहुत बड़ी ख़बर थी। मगर इस तमाम सूरत हाल को देख के और जितनी भी ख़बरें हम लोगों ने सुनी उनको देख के ये चीज़ लगती है कि हमें लोगों की, और ये बात बार बार प्रूव होती है कि हम लोगों को लोगों की कदर उस वक्त नहीं होती वो जब हमारे साथ होते हैं। जैसे ही वो हमारी ज़िंदगी से, हमारे इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो ये भी ऐलानात होते हैं कि अब उनको निशान इम्तियाज़ और मादर जमहूरियत के खिताब जो हैं वो दिए जाएंगे। बट पॉइंट इज़ कि वो कौमें, वो लोग, वो शख्सियात और वो रिश्ते जो अपने रिश्तों की, लोगों की, और वो तमाम लोग जो इर्द गिर्द बसते हैं, वो उनकी कदर उनकी मौजूदगी में, इस ज़िंदगी में नहीं करते, वो फिर सारी ज़िंदगी पछताते रह जाते हैं। और आई होप ये पछतावा जो है सारी ज़िंदगी अगर हमारे साथ रहे तो हमें बहुत कमज़ोर कर देता है, हमारी हर चीज़ के अंदर जो है वो पुख्तगी जो होनी चाहिए वो नहीं रहती। एनी वे, हम सब जानते हैं कि कल नोडेरों में बेगम नुसरत भुट्टो को दफनाया गया। बहुत ही दुख की बात है, बिकॉज़ वो बहुत ही एक नफीस, एक बेहतरीन खातून थी, ईरान से उनका ताल्लुक़ था। और आखिरी सफ़र करके बार बार हम न्यूज़ चैनल पे ये सुन रहे थे कि वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। अगर ज़िंदगी के बारे में हम कभी सोचें, क्योंकि हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर और इतनी सतही ज़िंदगी हो गई है, हर चीज़ के अंदर हम एंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ के अंदर हमारी कोशिश होती है कि बस जो बस दिखता है वही हम हों, लेकिन उसकी रियलिटी और जो अंदर की चीज़ है, जो हकीकत है ज़िंदगी की, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और ऐसे लोग बहुत से हैं हमारी इस दुनिया के अंदर, और ऐसे लोग बहुत ही शैलो होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप अपनी हकीकत, ज़िंदगी की हकीकत से दूर होते चले जाते हैं, तो आपका मकसद जो है ज़िंदगी का वो भी बहुत मुख्तलिफ सा हो जाता है और बहुत ही सतही हो जाता है। और जब हम सतही ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं तो वो बेहिसी जो आज हमें अपने माशरे में नज़र आती है, कुछ भी हो जाए हम बस हंसना ही चाहते हैं, हम इवन उन चीज़ों के ऊपर मुस्कुराना चाहते हैं। और कौमें तरक्की वही करती हैं जो सोच रखती हैं, तदब्बुर करती हैं, और फिर उस सोच को जहन में रखते हुए आगे बढ़ने का अज़्म करती हैं। अगर हम अपने मुल्क की तरक्की देखें और अपने मुल्क को जो हमने हासिल किया उसको देखें, अगर वो सोच ना होती, और सोच के बाद ही आपका अमल में तब्दीली आती है, अगर वो सोच ना होती तो आज हमें ये मुल्क हासिल ना होता, आज हमें ये आज़ादी हासिल ना होती। बॉटम लाइन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको अपने खालिक़े हकीकी से मिलना है, और वो सफ़र जो हमें जो तय करके हमें अपने खालिक़े हकीकी के पास जाना है, उस सफ़र की हम तैयारी नहीं करते। ये बातें बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगती हैं कि ये क्या सुबह सुबह इस तरह के लेक्चर्स और इस तरह की बातें होती हैं, आर डे शुड स्टार्ट विद एंटरटेनमेंट एंड अ लॉट ऑफ फन, बट दिस लाइफ is not only about fun. The point is कि हमारी ज़िंदगी में जो फ़न और एंटरटेनमेंट है वो एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगियों का, वो होली सोली एंटरटेनमेंट ही नहीं है हमारी ज़िंदगी की। तो हम सबको सोचना है और ये जानना है कि हमारी ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है, और वो जो आखिरी सफ़र है हमें उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। और सोचेंगे तो ही तैयारी होगी। बहरहाल आज का जो शो है वो बड़ा अहम है मेरे लिए, इसलिए क्योंकि ए प्लस पाकिस्तानी है आज हमारे साथ, और ए प्लस पाकिस्तानी वो होते हैं जो इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग जो शायद हम जिनके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं, जिनके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं करते। चमकते दमकते चेहरे हमारे सामने नज़र आते हैं हम लोगों को, और जैसे कि मतलब हमारे स्टार्स होते हैं, एंकर पर्सन्स होते हैं, या बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़, पॉलिटिशियंस होते हैं जो फ्रंट लाइन पर नज़र आ रहे होते हैं, मगर उनके पीछे कौन कौन लोग होते हैं और किस किस तरह से काम करते हैं वो लोग, और किस तरह से उनकी मेहनत उन लोगों को जो कि नज़र आते हैं उनको हीरो बनाती है और उनको स्ट्रेंथ देती है,
ए प्लस पाकिस्तानी में हम मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही लोगों से आपकी, और आज एक बहुत ही बेहतरीन ए प्लस पाकिस्तानी होंगे हमारे साथ जिनका ताल्लुक हमारी फिल्म इंडस्ट्री से है, और उसके बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, हमारा ड्रामा, एंड यू जस्ट कहते हैं ना कि किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें, उनका जो खिदमात हैं और जितना उन्होंने काम किया है इस इंडस्ट्री के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए और इसकी प्रमोशन के लिए और पॉजिटिव इमेज के लिए पाकिस्तान के लिए, आई थिंक बहुत कम लोग हैं हमारे इस मुल्क में जिन्होंने उतना काम किया और इतने बेहतरीन तरीके से किया। उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। नाम है उनका उस्मान पीरजादा। रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ए प्लस पाकिस्तानी से मुलाकात, एंड देन ऑफ कोर्स आवर सेलिब्रिटी गेस्ट। सो हियर वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक।